9th class we will study the next chapter, that is tissue. अब यहाँ हम कुछ पुरानी क्लासेस की बात करेंगे. All the living organism are made up of cell. Cell is the unit of living organism. अभी बताया है मैंने आपको, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल ना हो. इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. अगर हम अपने आप को भी सेलुलर लेवल पर देखें तो हमारी सेल और अमीबा में कोई फ़र्क नहीं है. हमारी सेल भी वो सभी फंक्शन कर रही है जो अमीबा कर रहा है. एक सिंगल सेल होते हुए मूवमेंट कर रहा है, इनटेक ऑफ फूड है, गैसियस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है, यही हमारी सेल फंक्शन कर रही हैं. बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल हैं. ये सेल स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. अब हमारे में डिफरेंट ग्रुप हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करेगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन करेगा. जबकि अगर हम अमीबा की बात करें, एक ही सेल सभी फंक्शन कर रही है. दी सेल कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. तो यहाँ बेटा हम बात कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर आने के कारण क्या हुआ है, सेल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है. आप घर की बात करें, अगर एक घर में सारा काम एक ही बंदे को करना पड़ रहा है तो वहाँ एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर काम बटे हुए हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी. इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट. मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तभी मूवमेंट होती है, अदरवाइज मूवमेंट इम्पॉसिबल है. फिर हम बात करते हैं नर्व सेल. नर्व सेल आप अगर बात करें, नर्व सेल हमारी डिवाइड नहीं होती हैं. आप जब छोटे थे आपके पैर पे कोई चोटी मारता था तो आपको पता लगता था, बड़े हुए तो भी पता लग रहा है. इसका मतलब नर्व सेल की लेंथ आपकी लेंथ के साथ साथ इंक्रीज हुई है. ब्लड फ्लो के लिए हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहे हैं. फिर अगर आप बात करें अपने घर के टैंक की, आपके घर के टैंक में लगातार पानी जा रहा है और उसे वापस भी आ रहा है. ऐसे हम बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स के लिए टैंक है दो. वाटर और मिनरल के लिए सोयल है, और फूड के लिए टैंक है लीव्स. वाटर और मिनरल प्लांट की जो सोयल है, सोयल से हर पार्ट तक जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और लीव से जो फूड मटेरियल है वो वापस हर पार्ट तक जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर मोर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी. दिस मीन दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाई क्लस्टर ऑफ सेल. एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसके लिए सेल को इकट्ठा होना पड़ता है टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन लेवल पे. इन क्लस्टर ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं. फिर ये फिर अरेंज होते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए. ब्लड फ्लोएम मसल आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यू. ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. अब आप देखें प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है. अब बहुत सी रिसर्च कहती हैं कि प्लांट फील कर सकते हैं, प्लांट पे म्यूजिक का इफ़ेक्ट होता है. फिर भी प्लांट में हम बात करें नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट मूव नहीं कर रहे हैं, उनमें मस्कुलर सिस्टम भी नहीं है. तो एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो फंक्शन अलग है, तो सेल भी डिफरेंट टाइप की ही मिलेंगी. इसके बाद देर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू. प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डोंट मूव. बेटा पढ़ने से पहले ही अगर आप एक मिनट सोचें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो आपको एकदम पता लग जाएगा. दे हैव टू बी अपराइट. जैसे आपके घर में क्रोकरी है, आपके घर में बर्तन हैं, स्टील के हैं और कुछ कांच के हैं, तो आपको पता है दोनों को कैसे हैंडल करना है. दे हैव लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. द सपोर्टिव टिश्यू आर डेट, जो सपोर्ट कर रहा है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है. इसमें कुछ सेल्स हैं जो कि लिविंग होंगी, बाकी सब डेड होंगी. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट एंड शेल्टर. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट. मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग. दिस इज़ अनदर डिफरेंस.
Another difference between animal and plant is the pattern of growth. अब plant में आपने seed उगाया, आपको पता लगेगा कि पेड़ बनेगा, पर आप ये designation नहीं कर सकते कि इस पेड़ की shape ऐसी होगी, इसमें ये branch इधर से ही आएगी, एक 10 सेंटीमीटर ऊपर जाके ब्रांच आएगी ही आएगी, और वो पहले इधर की आएगी या उधर की आएगी, इसका मतलब डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न नहीं है, जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। पर अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड है। एक अगर 20 साल के ह्यूमन बीइंग में देखेंगे, आपको हार्ट, ब्रेन सबका साइज सेम मिलेगा। देर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, दी स्ट्रक्चर आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। अब प्लांट में आप देखते हैं ब्रांचेज आ रही हैं, नए लीफ आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ क्या है, डिवीज़न की कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये केवल सेल कट करता है, ये नई सेल बनाता है, ये परमानेंट टिश्यू नहीं है, और बाकी जितने टिश्यू हैं वो परमानेंट टिश्यू हैं। सेल ग्रोइंग एनिमल मोर यूनिफॉर्म, क्योंकि एनिमल की एक पर्टिकुलर शेप बनानी होती है, इसलिए सेल डिवीज़न यूनिफॉर्म है। देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स।